वाटर भी किया गया जिसके लिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके लिए? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से आकाश पाटिल इनके सौजन्य से यहाँ पे वार्ड क्रमांक 33 इधर आज व्हील चेयर काटी कान का मशीन चश्मे और ब्लड चेकिंग डायबिटीज चेकिंग सब यहाँ पे आकाश पाटिल के सौजन्य से हो रहा है और इनके लिए आज लोगों की बहुत रिस्पांस मिला इधर और लोगों का ऐसे कहना है कि फिर से यह कैंप चालू ही रखो। तो आकाश पाटिल जी से विनंती है कि ऐसे ही कैंप आप आगे भी चालू रखो, ऐसी लोगों की मांग है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आस्था हमारे इधर आमच्या इथे कैम्प झालेला महिला शाखाध्यक्ष चंदा ढगे और ओम साई सोसायटी मराठी चाड इथे पाटील साहेबाच्या तर्फे मध्ये आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खुर्ची वाटप व्हील चेअर आणि काटी आणि चष्म्याचा चेकअप आणि बीपी आणि शुगर हे सर्व चेकअप झालेला आणि याच्यात पब्लिक भरपूर आलेली असे काही नाही आणि ह्या हा कॅम्प पहिली वेळ घेतला इथे मराठी चाळीमध्ये। खूप धन्यवाद। जय जय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। आज वार्ड क्रमांक 33 महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शाखाध्यक्ष नंदू यमुलकर इनके रिक्वेस्ट थी कि यहाँ पे मेडिकल कैंप किया जाए और जैसे यहाँ पे महिला शाखाध्यक्ष बैठे ढगे मिसेस ढगे तो इन्होंने भी बोला कि यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, यहाँ बहुत स्लम एरिया, यहाँ मेडिकल कैंप्स जो भी हेल्प होनी चाहिए कोरोना के बाद लोगों के लिए उसके लिए हमने कैंप किया है। यहाँ लोगों की हमने समस्या सुनी है, सिर्फ कैंप नहीं यहाँ पे उनकी जो भी और समस्या है वो भी हम ऑफिस में आके हमारे जो हेड ऑफिस है मराठ में वहाँ आके उन लोगों को बुलाया जाएगा। उनको और भी कुछ चीज़ें चाहिए होगी, व्हील चेयर, कान की मशीन, स्टिक्स वगैरह और भी मेडिकल हेल्प, एजुकेशन हेल्प, सोशली जो भी उनको लगना है वो हम लोग यहाँ पर देने के लिए यहाँ पर आज चर्चा के लिए बैठे भी हैं और आगे ऐसे ही कैंप्स यहाँ पे लेते रहेंगे। मालवनी में हम लोग ने और भी आगे बड़े बड़े प्रोग्राम्स करने के लिए यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है इनके साथ में और आगे ही करते रहेंगे। अब दर्शकों को बताएंगे कि आज यहाँ कौन कौन से पेशेंट आए थे और क्या क्या मुफ्त में यहाँ वितरित किया गया? सभी प्रकार के पेशेंट्स आए थे जिनकी रिक्वेस्ट थी, जिनके डॉक्यूमेंट्स जमा थे हमारे पास एक हफ्ते पहले कि हमें कान की मशीन चाहिए या हमें जो भी स्टिक्स चाहिए उनके डॉक्यूमेंटेशन अगर हमारे पास है वो हमने आज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसमें व्हील चेयर दिया है और भी कुछ स्टिक्स है, काटी है, जो भी चीज़ें होती है वो हमें स्टॉक के हिसाब से हमें दिया जाता है और जो रिक्वेस्ट आती है अभी उसको हम नेक्स्ट संडे नेक्स्ट कैंप में बुलाया जाता है, उनको हम वहाँ दिए जाते हैं, ऑर्डर किया जाता है ना उसके लिए। अच्छा जी सर, ये मैं देख रहा हूँ यहाँ स्लम एरिया है और यहाँ बहुत सी समस्याएं हैं और इन समस्याओं से निपटने के लिए मन से किस तरह की योजना यहाँ बना रही है? लोकल बॉडीज जो है, लोकल मालाड के जो 33 के शाखाध्यक्ष यमुलकर इनसे डिस्कस करके यहाँ के जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम अपने हिसाब से अपने जो एजेंडा है उस हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। कोई खास नहीं है ऐसे कि हम लोग यहाँ पे स्पेशली कैंप करके इलेक्शंस के लिए आए करके, जो जो लोगों की पेंडिंग जहाँ भी कैंप्स चल रहे हैं उस हिसाब से डेट वाइज हम यहाँ कैंप कर रहे हैं। कुछ लोगों की मेडिकल है, एजुकेशन है, जो भी है हम लोग ऑफिस में बैठ के डिस्कस करके उसको सॉल्व करते हैं। थैंक यू। संस्था के तरफ से मुझे आज व्हीलचेयर मिला है, इसके लिए उनकी पूरी टीम को थैंक यू, शुक्रिया। ठीक है। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वार्ड क्रमांक 33 नंदू यमुलकर और महिला शाखा अध्यक्ष चंदा ढगे और आकाश पाटिल के सौजन्य से फ्री मेडिकल कैंप हम लोग आयोजित किया है। इसमें से चश्मा वाटप, बीपी, शुगर, ये नॉर्मली ये जो है उनका हम लोग चेकअप के ये जहाँ जहाँ मिल रहे वहाँ वहाँ हम लोग कैंप ले रहे। सभी तो सर जितने हम लोग को दे रहे उतना हम लोग कैंप में इन्वाइट कर रहे, सब जितने भी है ये थोड़े थोड़े करके मलाड विधानसभा में हम लोग काम कर रहे थोड़े थोड़े महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के होते होते सर।